आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से टोटो व ऑटो चालकों के साथ निकाला गया जुलूस। ऑटो व टोटो परिचालन को कानूनी मान्यता देने की मांग पर किया गया प्रदर्शन। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने डीसीपी को ज्ञापन भी सौंपा। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तरफ से बृहस्पतिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी ऑफिस का घेराव किया गया। सर्वप्रथम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए डीसीपी ऑफिस पहुंचे। इस जुलूस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ टोटो तथा ऑटो चालक भी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ऑटो और टोटो परिचालन को कानूनी मान्यता देने तथा रूट निर्धारित करने की मांग की और पुलिस द्वारा टोटो व ऑटो चालकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस के सचिव प्रोसेनजीत पुइतुंडी ने कहा कि पिछले कुछ समय से आसनसोल शहर और इसके आसपास के इलाकों में ऑटो और टोटो के विरुद्ध पुलिस अभियान चला रही है और चालकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके कारण ऑटो और टोटो चालकों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि वे ऑटो और टोटो चलाकर परिवार का पेट भरते हैं। उन्होंने ऑटो और टोटो को कानूनी मान्यता देने, उनके लिए स्टैंड और रूट निर्धारित करने की मांग की है। टोटो एवं ऑटो नहीं, आसनसोल एक मैंने बाजे परिस्थिति सृष्टि होटार थे आसनसोल एक जैम अजुहत देवा हम কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে টোটো এবং অটোর জন্য জ্যাম নয়, জ্যামের কারণ অন্য আছে। এনক্রোচমেন্ট রোডের ধারে পার্টি অফিসের নাম করে পার্টি অফিসের পাশে দোকান খুলে দিয়ে পার্টি অফিসের সাথে লাগোয়া বিভিন্ন দলের, তো এই এই জন্য একটা জ্যামের রাস্তার এনক্রোচমেন্ট হচ্ছে, টোটো অটো সেখানে চলতে পারছে না, মানুষের অসুবিধে হচ্ছে। এক জ্যাম ক্লিয়ার করার জন্য সামনে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ছট পুজোর মরশুম, এই মরশুমে যেন মানুষের জ্যামের সমস্যার সম্মুখীন না হতে, এটা একটা ব্যাপার। দ্বিতীয় হচ্ছে পুলিশ বেআইনিভাবে, সরাসরি অভিযোগ আমরা ডিসি সাহেবকে করেছি, সেটা হচ্ছে পুলিশ কিন্তু বেআইনিভাবে, যেহেতু টোটোর কোনো কাগজ নেই, এদের কোনো লিগ্যাল কাগজ নেই, এদের কাগজের মধ্যে থেকে এরা কি করছে, সারাদিন গাড়িটাকে হোল্ড আপ করে দিচ্ছে, এদের মধ্যে এদের কাছ থেকে দাল করে দিচ্ছে, ওই কাঁটা মেরে দিয়ে দিনের শেষে একটা টাকা নিয়ে নিচ্ছে, 300-400 টাকা, সেটা কোনো চালান কাটা হচ্ছে না কিন্তু। এবং তার উদাহরণ এখানে অনেকে আছে, তারা আপনারা দেখলেন যে তারা হাত তুলে বললো আমাদের কাছে নেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগটা আমরা সাহেবের কাছে জানিয়েছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।